गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलर फ्रॉम साइंस ग्लोबल स्कूल. एज यू ऑल नो दैट दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस, सो वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर फर्स्ट, व्हिच इज मैटर इन अवर सराउंडिंग. इन दिस चैप्टर वी हैव रीड सम अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक एंड देन वी हैव रीड अबाउट टॉपिक्स इन दी डिटेल. सो अवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. इन दिस टॉपिक वी हैव रीड अबाउट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल. मैटर मतलब कैसे कैसे अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बन रखा होता है. हाउ स्मॉल ऑफ दीज पार्टिकल ऑफ द मैटर, और जो मैटर होंगे ना उनके साइज अलग अलग कैसे होते हैं, या फिर छोटे होते हैं या फिर बड़े होते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स. जो मैटर्स के ना कितने कैरेक्टर्स होते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो अलग अलग मैटर्स होंगे उनके बीच में स्पेस होता है या नहीं होता है. पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो मैटर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते हैं या नहीं होते हैं. नेक्स्ट होगा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो स्टेट ऑफ मैटर. इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है और गैसियस स्टेट होती है. हमारा जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा कैन मैटर चेंज इट स्टेट. जो मैटर्स होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. इसके अंदर भी अपने टॉपिक होंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो चेंज होंगे या नहीं होंगे. प्रेशर की वजह से वो चेंज होंगे या नहीं होंगे. जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा वो होगा इवापोरेशन. इवापोरेशन सबको पता है क्या होता है. और जो अपना लास्ट इवापोरेशन के अंदर जो दो टॉपिक और होंगे वो होंगे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन. कौन से फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं और कौन से होते हैं जो नहीं करते हैं. और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग. इवापोरेशन से कूलिंग कैसे. मैं चैप्टर को रीड करूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी. चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हिच इज मैटर इन अवर सराउंडिंग. एज वी लुक अवर सराउंडिंग वी कैन सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर. अगर अपन सराउंडिंग में देखेंगे तो अपन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगी और उसका टेक्सचर भी अलग होगा. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. जो भी मटेरियल अपने ना यूनिवर्स में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबाउट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास. मतलब हर मैटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगी. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. हर मैटर का अलग अलग मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज सराउंडिंग. स्टार्टिंग से बहुत जमाने से ह्यूमन बींग समझते जा रहे हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है. अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट. पुराने के जो इंडियन के जो फिलोसोफर थे उन्होंने एलिमेंट्स को पांच एलिमेंट्स बताए थे. जो कौन कौन से थे उनको नाम क्या दिया था, पंच तत्व. और वो कौन कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स. अपन को पता है कि ना जो भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होंगे वो कौन से एलिमेंट से बने हुए होंगे, इन सारी चीजों से. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैव अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और जो ग्रीक के जो फिलोसोफर थे उन्होंने भी जो इंडियन के फिलोसोफर ने जो बोला था उन्हीं को माना था. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in subsequent chapters. अपन इस चैप्टर में देखेंगे जो मैटर ना फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कैसे बेस्ड होते हैं. तो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में फर्स्ट हैगा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. जो भी मटीरियल अपन, मैटर क्या है, अपने सराउंडिंग में जो भी मटीरियल प्रेजेंट है वो एक मैटर है. और मैटर किससे बन रखा होता है, एक पार्टिकल से बन रखा होता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. वन स्कूल बिलीव मैटर ऑफ टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड. दो स्कूल वाले थे, उन्होंने एक उसमें से एक स्कूल वालों ने माना जो मैटर होता है ना वो किस टाइप के शेप में होता है, एक वुड का ब्लॉक होता है, यानी कि लकड़ी का एक ब्लॉक होगा वही एक मैटर होगा. वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड. और जो दूसरे स्कूल वाले थे उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर होता है ना वो एक पार्टिकल से बन रखा होता है, और पार्टिकल कैसे, जैसे कि सैंड हो यानी मिट्टी हो. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड
अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट. एक्टिविटी फर्स्ट, टेक 100 ml ऑफ बीकर, फिल हाफ बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. एक बीकर लेना है, उसमें अपन को 100 ml वाटर डालना है, 100 ml वाटर लेना है, उसमें अपन को हाफ फिल द हाफ द बीकर विथ वाटर, और जो बीकर लिया था उसको अपन को हाफ फिल करना है और अपन को उसको मेंशन करना है, यानी मार्क करना है. डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. इसके अंदर आपको अपन को सॉल्ट डालनी है या फिर शुगर. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? अपन को ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर वाटर का जो लेवल था वो बढ़ा या नहीं बढ़ा. Where does it disappear? या फिर वो कहाँ चला गया? Does the level of water change? In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there is in spoon, salt or sugar has now spread to the water. This is illustrated. देखो अपन ने क्या किया था, एक बीकर लिया था, उसमें अपन ने पानी डाला. पानी डालने के बाद में या तो अपन उसमें सॉल्ट ऐड करो या फिर शुगर. उसको डालने के बाद में अपन ने ग्लास वाटर से उसको मिक्स किया, तो ना पूरा वाटर के अंदर मिक्स हो गया. उससे क्या पता चला कि जो भी सॉल्ट के या फिर शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो पानी के अंदर गायब हो गए, और उसी को अपन को पता लगाने के वो गायब कैसे हुए. जो हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक होगा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर. अपन को पता करना है जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं. टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर. अपन को पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं और इसको 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स करना है. देखो 100 ml अपन ने वाटर लिया था, उसमें 2-3 क्रिस्टल यानी सिर्फ दाने, उसको अपन इसमें मिक्स कर रहे हैं. टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. उसमें से अपन को 10 ml का सॉल्यूशन लेना है. देखो इसमें से बाहर लिया और उसको वापस क्लीन वाटर में 19 ml ऑफ क्लीन वाटर में एड करेंगे. 100 ml वाटर में सबसे पहले अपने क्या किया, पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स यानी दानों को, सिर्फ 1-2 दाने को उसमें डाला. डालने के बाद में वो कलर हो गया. अब ये 100 ml में से 10 ml को बाहर निकाला और इस 10 ml को 90 ml वाटर में वापस मिक्स किया, तो वापस 100 का हो जाएगा. वापस वही करना है, 10 ml निकालना है, वापस उसको मिक्स करना है 90 ml में, फिर वापस वही करना है. ये प्रोसेस हम बार बार करते जाएंगे तो उससे पता चलेगा. Keep diluting the solids like this 5-8 times. इसको यानी 5-8 time करना है. Is this water still colored? तो क्या हमें पता चलेगा कि पानी कलर है या वापस क्लीन हो गया है. This experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water. इससे हमें क्या पता चला, पानी का कलर वापस व्हाइट नहीं हो रहा है. तो इससे पता चलता है कि सिर्फ ना 2-3 क्रिस्टल से अपन बहुत ह्यूज अमाउंट यानी ज्यादा मात्रा के पानी को भी कलर कर सकते हैं. So we conclude that there must be million of tiny particle in just one crystal of potassium magnate. यानी कि इससे अपन को क्या पता चला, एक क्रिस्टल यानी सिर्फ एक दाने में बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है. तो उसको अपन चाहे कितना भी बार बार यूज कर लो लेकिन उसका कलर नहीं जा रहा है. तो अपन को उससे पता चला कि थाउजेंड या फिर मिलियंस में ना पार्टिकल्स प्रेजेंट होते सिर्फ एक क्रिस्टल में. यानी कि चीनी का एक दाना ले लो, उस दाने के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. और इसी activity को अपन Dettol से use कर सकते हैं. अपन Dettol को सिर्फ थोड़े से ना पानी, Dettol को थोड़े से ना थोड़े से amount Dettol को अगर पानी में mix करेंगे ना, तो उस पानी को अपन बार बार चाहे कितनी बार भी change कर ले लेकिन उसकी smell और Dettol के अंदर रहेगा. यानी कि Dettol के अंदर भी थोड़े से matter में बहुत सारे particles present होंगे. Next topic है characteristics of particle of matter. Particle of matter have space between them. यानी कि जो मैटर होता है ना, मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, यानी मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है, अपन को वो एक्सप्लेन करना है या फिर वो देखना है. इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डिटॉल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉटर. जब अपन ने मिक्स किया था ना तो क्या हो गया था, वो ना मतलब मिक्स पानी के अंदर मिक्स हो गया था. यानी कि क्रिस्टल्स को जब अपन ने पानी में मिक्स किया था वो आराम से पूरा डिस्क के अंदर डिजोल्व हो गया था. यानी कि इक्वल अमाउंट में पूरा डिजोल्व हो गया. आप चाहे उसको ऐसे भी देख सकते हो,
अपन एक बॉक्स लिया, उसमें अपन एप्पल्स रखी और एप्पल्स को ना अलग अलग जगह पे रखना है, तो उसमें पता चलेगा उनके बीच में स्पेस कितना है। तो जो बॉक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैटर, उसके अंदर जो एप्पल हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स, और उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा। व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनाइड, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ द अदर हैंड। यानी कि अपन कुछ भी बनाए ना, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में उसमें स्पेस प्रेजेंट होगा। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और इसी से पता चलता है कि पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट होगा अपना, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ना कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, यानी एक बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कंटिन्यूसली मूव एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होते रहेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जो पार्टिकल्स होंगे वो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, यानी उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। अपन देखेंगे अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे ना तो पार्टिकल्स है ना जल्दी जल्दी मूव होते जाएंगे। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases. So इससे हमको क्या पता चल सकता है? The increase in temperature इससे पता चलता है अगर अपन temperature को increase करेंगे तो जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जो मूव करने की जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ती जाएगी। इन द अबाउट थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमैक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, वी डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन, अपन ने देखा है कि अपन जब हीट करेंगे ना तो ना उनके ना मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे ना तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना उनमें शेक मतलब वो बहुत जल्दी एक स्पीड बढ़ेगी उनकी, और स्पीड बढ़ने से क्या होगा, उनके जो बीच की जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। यानी कि एनर्जी कौन सी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने से क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर जो पार्टिकल्स होंगे वो फास्टली मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक्टिविटी देखते हैं अपन, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फोर ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जैसे इन्होंने चेन बना रखी है, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक यू डू मिशी डांसर्स। जैसे डांस करते हैं इन्होंने एक दूसरे को लॉक कर रखा, वैसे भी आप एक दूसरे को लॉक करो। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और सेकंड ग्रुप को क्या करना है कि ना हाथ से हाथ पकड़ के चेन बनानी है, जैसे अपने गेम खेले होंगे। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप, और थर्ड ग्रुप को क्या करना है, सिर्फ अपने अंगुली से अंगुली टच करके एक ग्रुप बनाना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। और जो फोर्थ ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो भागेगा इधर से उधर चेन्स को तोड़ने के लिए स्मॉल पीसेस के अंदर। विच ग्रुप वॉज इजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप सबसे पहले टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा। इफ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर अपन हर एक स्टूडेंट को पार्टिकल की तरह यूज करें या समझे, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो क्या होगा, आप उनको पता है कि सबसे पहले कौन सा ग्रुप टूटेगा जिसने सिर्फ एक दूसरे को टच कर रखा था। जो एक दूसरे से इंटरलॉक थे वो सबसे लास्ट में टूटेगा या फिर बहुत मुश्किल से टूटेगा। टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। अपन को एक नेल लेनी यानी की लेनी, एक चॉक लेना, एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, और इन सबको ट्राई करना है कट करने के लिए। इन विच ऑफ द अबाउट थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको इन तीनों में से पता लगाना है कि सबसे ज्यादा वो कौन एक दूसरे को होल्ड करके रख रखा है,
यानी कि सबसे लास्ट में कौन टूटेगा। इजीली पता चल रहा है कौन सा सबसे लास्ट में टूटेगा, आयरन या नेल, और वो बहुत मुश्किल से टूटेगी। टेक सम वॉटर, नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक सम वॉटर इन अ कंटेनर, ट्राई टू कटिंग द सर्फेस ऑफ वॉटर विथ योर फिंगर। आप कंटेनर में वॉटर लो, किसी भी कंटेनर में एक वॉटर लो और उसमें अपनी अंगुली को डिप करो। वेर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वॉटर, क्या आप पानी को कट कर पा रहे हो क्या? What could be the reason behind the surface of water remaining together? और उसका क्या रीजन है? देखो अपन कंटेनर में पानी लेंगे, उसमें अंगुली डालेंगे तो पानी कट नहीं हो पाएगा, तो इसमें ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से पानी कट नहीं हो रहा है? The above three activities suggest the particle of matter have force acting between them. यानी कि क्या पता, इन तीनों एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है? जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में कौन सा फोर्स, एक इन सबके बीच में एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स को सबको टूगेदर मतलब पकड़ के रख रखा है, टाइट पकड़ के रख रखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और हर फोर्स का अलग अलग अट्रैक्शन लग रहा है हर मैटर्स पे। जो जितना टाइट, जो जितना पास में होगा, जितना उसको टाइटली पकड़ के रखा हुआ होगा, उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, और जो जितना दूर होगा, जितना लूज होगा, उसमें फोर्स बहुत कम लगेगा उसको तोड़ने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेट ऑफ मैटर, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।